एंड वेलकम टू ऑल, सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल चैनल शुभांशु सर जीएस में, मींस एसएसजी में। तो हम लोगों ने पहले वीडियो पे बात की थी टीथ पर, दांत पर। दांत के बाद हम लोगों ने जो अगला चैप्टर पढ़ा था वो सलाइवरी ग्लैंड्स और टंग दोनों को मिलाकर पढ़ा था। अब हम लोग देखिए, जब दांत हम लोग ने पढ़ चुके हैं, जीभ और लार पढ़ चुके हैं, तो खाने की लुगदी बन चुकी है। अब ये लुगदी धीमे से पेट में जाएगी ईसोफोगस मतलब ग्रास नाल से होते हुए। तो अब आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है पापी पेट। इस पापी पेट के लिए हम पढ़ाने आ रहे हैं और आप पढ़ने आ रहे हो, वरना इतनी फालतू बकवास कौन सुनने वाला है। तो देखते हैं इस पापी पेट के अंदर क्या क्या भरा है, इतना जानेंगे इस पापी पेट के बारे में कि शायद डॉक्टर भी हमसे ज्यादा ना जानता हो। तो बने रहिए मेरे साथ, हम लोग पढ़ने वाले हैं आमाशय, स्टमक। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या सर? आमाशय पढ़ने वाले हैं, स्टमक। तो सबसे पहले मैं एक आमाशय का छोटा सा चित्र बनाऊंगा और उसी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो ये बन गया हमारा पापी पेट, ठीक है सर? तो देखिएगा कि अब ये जो ईसोफोगस है मतलब ये ग्रास नाल है, ये क्या होगा? ग्रास नाल है जो खाने से खाना हमारे पेट में आएगा, है ना? और ये हो गए ग्रहणी, ड्यूडोनिम हो गई, या इसी को हम कह सकते हैं छोटी आंत। इसी को हम क्या कह सकते हैं सर? छोटी आंत कह सकते हैं। अब देखिए, जब यहाँ पर खाना, जब यहाँ से खाना पेट में आएगा और फिर पेट से खाना जब यहाँ छोटी आंत में जाएगा, तो छोटी आंत का खाना वापस पेट में ना आए और खाना यहाँ जो पेट वाला खाना है ये ऊपर ना जाए। इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा वॉल्व लगा होगा और यहाँ पर भी एक वॉल्व लगा होगा। तो अब हमने क्या करा, हम पेट को तीन भागों में बांटेंगे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। ये जो पहला पार्ट है इसको हम कहेंगे कार्डियक, ये जो पहला पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे? कार्डियक कहेंगे। ये जो बीच का फूला हुआ भाग है इसको हम कहेंगे फंडिक। इसको हम क्या कहेंगे सर? फंडिक, FUNDIC। और जो तीसरा पार्ट है इसे हम कहेंगे पाइलोरिक। क्या कहेंगे सर? पाइलोरिक। तो हमने यहां पर पेट को, इस पापी पेट को कितने भागों में बांट दिया है? तीन भागों में बांट दिया है, ठीक है ना? तो अगर आपसे कह दिया जाए ग्रास नाल का भोजन जब आमाशय में जाता है तो वह आमाशय से वापस क्यों नहीं आ पाता? तो ड्यू टू कार्डियक, क्लियर है? तो अब हम इसमें इसको पढ़ने वाले हैं। अब इसको जब हम लोग फंडिक को पढ़ेंगे तो इसी फंडिक में, इसी खाने में, इसी में ही हम लोग का खाना बना होगा। चाउमीन खाया आपने, लगे हाँ डोसा भी खा लिया, सोचा पनीर भी खा लो, मछली भी खा लो, प्रोटीन मिलेगा, मांस भी खा लो, ये सारा खाना आपने खा लिया। अब ये जो भोजन सब मिल गया है आमाशय में, तो आमाशय में जो भोजन होता है उसे हम कहते हैं काइम। क्या कहते हैं सर? काइम, CHIM, याद रखिएगा कि आमाशय में उपस्थित भोजन को हम लोग काइम के नाम से जानते हैं। अच्छा, अगली बात समझिए, ये काइम आपको समझ में आ गया? अगर काइम आपको समझ में आ गया तो भोजन आमाशय में कितनी देर तक रहता है ये बात समझिएगा। तो आंसर है 3 से 4 घंटे। अगर आपने अच्छे से खाना खाया है तो आपको 3 से 4 घंटे भूख तो नहीं लगने वाली। इसी फंडिंग में छोटी 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 मतलब लगभग लगभग 4 करोड़ या फिर 25 मिलियन, है ना? लगभग लगभग 25 मिलियन से मतलब 2.5 करोड़ से 4 करोड़ कुछ छोटी 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 ग्लैंड पाई जाती हैं, है ना? अब इस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं क्या है? इन सभी ग्लैंड को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहते हैं सर? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, मतलब इसे हम कहेंगे जठर ग्रंथियां। हाँ, अभी छोटी 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 जो जठर ग्रंथियां हैं, इस जठर ग्रंथि से क्या निकलेगा? इस जठर ग्रंथि से निकलेगा गैस्ट्रिक जूस मतलब जठर रस निकलेगा। अभी जठर रस का काम क्या होगा? इस जठर रस का जो पीएच मान होता है, इस जठर रस का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो होता है 1.5 से 1.8, मतलब इतना खतरनाक एसिडिक होता है, अम्ली होता है। तो इतना अम्ली होता है जठर रस, तो ये हमारे पेट में छेद करके हमारे पेट से बाहर क्यों नहीं आ जा रहा है कि ये लो भैया थोड़ा सा जठर रस तुम भी पी लो, कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, है ना? तो क्यों नहीं हो रहा, इसी को तो मैं बताने आया हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो इतनी बात आपको समझ में आई, छोटी 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 बात क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलेगा? गैस्ट्रिक जूस निकलेगा, उसका पीएच वैल्यू कितनी होगी? 1.5 से 1.8 होगी। अच्छा,
ये जो फंडिक वाला पार्ट है, ये जो फंडिक वाला पार्ट है, इस फंडिक वाले पार्ट में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब जठर ग्रंथियों में है ना कुछ अन्य कोशिकाएं होंगी, है ना। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में कुछ अन्य कोशिकाएं होंगी, उन कोशिकाओं को जरा समझते हैं, वो उन कोशिकाओं का नाम क्या क्या है। उन कोशिकाओं जैसे सबसे पहली हो गई पेप्टिक, सबसे पहले क्या हो गई पेप्टिक। इसी पेप्टिक को हम लोग चीफ भी कहते हैं, इसी पेप्टिक सेल को हम लोग चीफ सेल भी कहते हैं। और कभी कभी आ जाता है जाइमोजेन, क्या आ जाता है जाइमोजेन। तो पहला क्या बताया हमने आपको पेप्टिक, पेप्टिक को ही हम लोग क्या कहते हैं चीफ, और इसी को हम क्या कहते हैं जाइमोजेन, क्या कहते हैं इसे जाइमोजेन सेल, ठीक है ना। ये पहला हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, इसी में दूसरे प्रकार की सेल पाई जाएगी जिसको हम कहेंगे ऑक्सेंट्रिक सेल, क्या कहेंगे ऑक्सेंट्रिक सेल कहेंगे, ऑक्सेंट्रिक सेल्स कहेंगे, मतलब ऑक्सेंट्रिक कोशिका, ऑक्सेंट्रिक कोशिका कहेंगे। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर ही पाए जा रहे हैं। तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल यानी म्यूकस ग्रीवा कोशिका, म्यूकस ग्रीवा कोशिका, है ना। और चौथी कौन सी होगी, चौथी होगी अर्जेंटा फिन, कौन सी होगी अर्जेंटा फिन सेल, है ना, क्या कहेंगे इसे अर्जेंटा फिन कोशिका, ठीक है ना। तो हमने आपको यहाँ पर क्या बताया, हमने आपको बताया कि इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं सेल्स होती हैं, उन सेल्स में एक हो गई पेप्टिक सेल जिसको हम लोग पेप्टिक सेल को चीफ सेल और जाइमोजेन सेल भी कहते हैं, दूसरा हो गया ऑक्सेंट्रिक सेल, ऑक्सेंट्रिक सेल के बाद होती है म्यूकस नेक सेल, और चौथी होती है अर्जेंटा फिन सेल, ठीक है ना। अब ये जो पेप्टिक सेल है, इस पेप्टिक सेल से, इस पेप्टिक सेल से कुछ एंजाइम स्रावित होंगे, है ना। वो कौन कौन से एंजाइम है इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले मैं इसको पूरा रफ कर देता हूँ, रफ करने के बाद आपको वन बाय वन धीमे धीमे समझाने कोशिश करता हूं। तो पहले पढ़ेंगे पेप्टिक, फिर पढ़ेंगे ऑक्सेंट्रिक, फिर पढ़ेंगे म्यूकस नेक, और फिर पढ़ेंगे अर्जेंटा फिन, क्लियर है। ये चित्र बना रहेगा, बाकी सब मैं रफ कर देता हूं जल्दी से जिससे आपको याद रहे। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेप्टिक सेल्स, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग पेप्टिक सेल्स, इसको लिखा रहने देते हैं क्योंकि काफी काम आएगा ये हमारे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पेप्टिक सेल्स, ठीक है सर, देखते हैं भाई पेप्टिक सेल्स में क्या है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेप्टिक सेल मतलब पेप्टिक कोशिका, इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर होगी पेप्टिक कोशिका। इस पेप्टिक कोशिका से, इस पेप्टिक कोशिका से है ना तीन एंजाइम निकलेंगे हम लोगों के। पहला होगा गैस्ट्रिक लाइपेज, पहला होगा गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक लाइपेज। दूसरा कौन सा होगा हमारे पास, दूसरा होगा पेप्सिनोजेन, क्या होगा पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन। और तीसरा हमारे पास होगा कौन सा होगा प्रोरेनिन, क्या होगा प्रोरेनिन, ठीक है ना। चलिए देखो लिख देते हैं हिंदी में भी प्रोरेनिन, प्रोरेनिन, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया आपको पेप्टिक सेल के तीन पार्ट होंगे, पेप्टिक सेल में यहाँ पे तीन सब सेल पाई जाएंगी, पहली होगी गैस्ट्रिक, दूसरी होगी पेप्सिनोजेन, तीसरा होगा प्रोरेनिन, है ना, ये एंजाइम हो गया। ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है, ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है ये नवजात शिशुओं में सक्रिय होता है, ये नवजात शिशुओं में, नवजात शिशुओं में सक्रिय होता है, ठीक है ना। तो क्या काम होता है इसका, ये थोड़ा जो गैस्ट्रिक लाइपेज है ये थोड़ा बहुत क्या करता है वसा की मात्रा को पचा लेता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आमाशय में कौन सा एंजाइम ऐसा है जो वयस्कों में नहीं पाया जाता, तो आप लगाएंगे गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं पेप्सिनोजेन, ये जो पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन है ये अभी इनएक्टिव है, ये जो पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन है ये क्या है अभी इनएक्टिव है, अभी एक्टिव नहीं हुए हैं, अभी एक्टिव कब होंगे, जब पहला पार्ट पढ़ लिया। अब तो दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कौन सी ऑक्सेंट्रिक सेल, क्या हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सेंट्रिक सेल, ऑक्सेंट्रिक कोशिका। जब ये पढ़ेंगे तब ये इसको क्या कर देगी एक्टिव कर देगी, क्यों, क्योंकि इस ऑक्सेंट्रिक सेल से जो निकलने वाला है वहीद को काम कराएगा। इस ऑक्सेंट्रिक सेल से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम लोग क्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्यूरेटिक अम्ल कहते हैं। चलिए देखते हैं,
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेपर में अगर आ जाए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, तो ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से प्राप्त होता है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता क्या है, ये सबसे पहली बात, ये भोजन को सड़ने से बचाता है पेट में, को याद रखेगा, पेट में भोजन को सड़ने से कौन बचाता है, तो आपको याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बचाता है। जो खतरनाक बैक्टीरिया आपके खाने के साथ आ गए हैं तो हानिकारक जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है, तो आंसर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नष्ट करता है। लार में जो टैलिन एंजाइम था, जिसको हम लोग सुगर एमाइलेज के नाम से जानते हैं, तो जो टैलिन नाम का एंजाइम है उसको इनएक्टिवेट कौन करता है, तो आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। और बाकी क्या क्या काम करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर पेप्सिनोजेन के साथ मिला दिया जाए तो पेप्सिन नाम का एंजाइम बनाएगा, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोरेनिन के साथ मिला दिया जाए तो ये रेनिन नाम का एंजाइम बनाएगा, तो जब ये पेप्सिन नाम का एंजाइम बनाएगा तो ये प्रोटीन को पचाएगा, है ना, पेप्सिन इरेप्सिन ट्रिप्सिन तीन एंजाइम होते हैं जो आपको छोटी आंखें पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर जब पेप्सिन बनेगा तो वह पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पचाएगा, और यहाँ पर प्रोटीन को दो भागों में तोड़ेगा, सरल प्रोटीन और जटिल प्रोटीन। याद रखिएगा ये जो रेनिन होगा, ये रेनिन सिर्फ बच्चों में ही सक्रिय होता है, क्योंकि जब आप दूध पीते हो, बच्चे जब दूध पीते हैं तो दूध पीने में जो रेनिन एंजाइम है तभी काम करेगा जब आप कोई दूध वाली कोई वस्तु पियोगे, अगर दूध वाली वस्तु कोई नहीं पी रहे हो तो ये रेनिन आपका काम नहीं करेगा। तो पहले आपको इससे क्वेश्चन क्या बनता है, पहले मैं इसको बताता हूँ कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आपको कौन कौन से क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला आपको याद रखना है कि टैलिन को इनएक्टिवेट करता है, टैलिन को निष्क्रिय करता है, इसका आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, टैलिन को निष्क्रिय करता है। दूसरा, भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। तीसरा पार्ट आपको याद रखना पड़ेगा क्या, कि हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, ठीक है ना, तो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना, भोजन को सड़ने से बचाता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टैलिन को निष्क्रिय कौन करता है, तो आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। चलिए अब ये इनएक्टिवेट थे तो इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं, ये इनएक्टिवेट थे तो इसको मैं रफ कर देता हूँ और इसको फिर मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो अगर पेप्सिनोजेन को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिला दें, मतलब पेप्सिनोजेन को हम लोग किससे मिला दें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिला दें, तो कौन सा एंजाइम बन जाएगा, पेप्सिन बन जाएगा, और पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, या फिर प्रोटीन को दो भागों में तोड़ देगा, एक होगी सरल प्रोटीन और एक होगी जटिल प्रोटीन। तो ये भैया दो काम करेगा, एक तो प्रोटीन को तोड़ देगा और दूसरा प्रोटीन का थोड़ा बहुत पाचन भी कर लेगा। और इसी को अगर हम लोग प्रोरेनिन के साथ मिला दें, प्रो रेनिन प्लस HCl मिला दें, तो बन जाएगा रेनिन, क्या बन जाएगा सर, रेनिन बन जाएगा। और रेनिन क्या करता है, दूध की प्रोटीन का पाचन करता है, दूध की प्रोटीन का पाचन करता है। अब क्वेश्चन ये है कि दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है, तो प्रोटीन पाई जाती है केसीन, क्या पाई जाती है सर, केसीन, यानी दूध का जो सफ़ेदपन है, दूध का जो सफ़ेदपन है उसका आंसर क्या है, केसीन। अब ये रेनिन क्या करेगा, इस केसीन को तोड़ देगा, किसमें, पैरा केसिन में, किसमें तोड़ देगा, पैरा केसिन में तोड़ देगा, और किसके साथ जाके चिपक जाएगा, तो आंसर है कैल्शियम, है ना। तो अब ये क्या कहलाएगा, कैल्शियम पैरा कैसिनेट, क्या कहलाएगा ये, कैल्शियम पैरा कैसिनेट, ठीक है ना, कैल्शियम पैरा कैशी नेट कहलाएगा, ठीक है ना। तो जो बच्चों में सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है वो कौन सी होती है, रेनिन नाम की, है ना, रेनिन नाम का एंजाइम जो है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। इतने आपको कोई समस्या, इतने आपको कोई समस्या नहीं ना, केसिन समझ में आया, प्रोरेनिन समझ में आया, पेप्सिन समझ में आया, अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने पहला पार्ट देख लिया पेप्टिक सेल, दूसरा देख लिया ऑक्सेंटिक सेल, तीसरा देखेंगे म्यूकस नेक सेल, ये म्यूकस नेक सेल क्या करती है, जरा देखते हैं। ये जो म्यूकस नेक सेल है, ये जो ऊपर वाली ये जो पेट है, इसके पेट के नीचे 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 हल्की सी एक परत बनाती है, है ना। ये परत किसकी बन गई है, ये परत बन गई है म्यूकस की, किसकी बन गई है सर, ये परत बन गई है म्यूकस की। तो ये म्यूकस करेगा क्या, ये म्यूकस करेगा क्या भाई, जरा देख लेते हैं कि ये जो म्यूकस की परत बनी है, ये जो म्यूकस की परत बन गई है, अब आप देख रहे हो कि जठर रस का मान कितना है, जठर रस इतना अम्ली है 1.5 से 1.8, इतना खतरनाक अम्ली है कि वो छेद करके बाहर निकल जाता, तो म्यूकस उसको क्या कर देता है, है ना, आमाशय की भित्ति बनाता है, वॉल,
म्यूकस क्या है? हाँ, आमाशय की क्या है? वॉल है। ये जो वॉल है क्या करती है, जितना भी HCl और जठर रस है उसको धीमे से बाहर रखती है कि आप बाहर नहीं आ सकते, आप दूर रहिए। क्लियर है? तो ये म्यूकस वॉल है आमाशय की, जो हमारे अम्ल, जो हमारे अम्लीय जो पीएच मान है उसको, इसको हानि पहुंचाने से बचाता है। ठीक, जो म्यूकस नेक सेल थी वो आपको समझ में आ गई है। अब तीसरा क्या हमने आपको बताया, तीसरा बताया अर्जेंटा फिन। क्या बताया हमने, चौथी सेल क्या बताई थी, अर्जेंटा फिन सेल। अर्जेंटा फिन सेल से कुछ हार्मोन निष्क्रिय होते हैं, जैसे कि हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि एक हो गया गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन। जो गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन है, इसी से पता चलता है, गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन तब निकलता है जब व्यक्ति को भूख लगती है। तो भूख का जो एहसास है, जब गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन निकलता है तब जाकर वो नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र पर पहुंचता है, है ना, और धीमे से वो बात पहुंचती है मस्तिष्क में, मेडुला ऑब्लॉगेटा के पास, और मेडुला ऑब्लॉगेटा आपको बताता है कुछ खाओ भैया, भूख आपको लग गई है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई, हर इतनी बात आपको समझ में आई। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्या, अर्जेंटा फिन सेल पे। किस पर आते हैं, अर्जेंटा फिन सेल पे आते हैं। अर्जेंटा फिन सेल से आपको याद रखना है, अर्जेंटा फिन सेल से हम कुछ एंजाइम और कुछ हार्मोन स्रावित करेंगे, जो कई बार पेपर में आया हुआ है। क्या है, अर्जेंटा फिन सेल, अर्जेंटा फिन सेल, है ना। इसी अर्जेंटा फिन सेल से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या आएगा, अर्जेंटा फिन सेल से क्या क्या निकलता है जरा देखते हैं। तो चार प्रकार की चीजें निकलेंगी, क्या होगा, एक होगा हिस्टामिन, क्या होगा सर, हिस्टामिन। इसके बाद क्या निकलेगा, इसके बाद निकलेगा सेरो, क्या निकल जाएगा, सेरोटोनिन, क्या निकल जाएगा, सेरोटोनिन। फिर क्या निकलेगा, सोमैटो, क्या निकलेगा, सोमैटोस्टेनिन, क्या निकलेगा, सोमैटोस्टेटिन। और इसके बाद निकलेगा क्या, गैस्ट्रिन, क्या निकलेगा सर, गैस्ट्रिन। तो ये हो गया हिस्टामिन, ये हो गया सेरोटोनिन, ये हो गया सोमैटो स्टेटिन, और ये हो गया गैस्ट्रिन। ठीक है ना। तो हिस्टामिन क्या होता है, ठीक है, ये जो अर्जेंटा फिन सेल से निकला हुआ है हिस्टामिन क्या है, कि हमने आपको कवक पढ़ाया था, उस कवक में हमने आपको बताया था कि खुजलाने से खाज मिट जाती है। क्यों, क्योंकि जैसे आप खुजली करते हो तो माइंड एक एंजाइम छोड़ता है, उसका नाम है एंटी हिस्टामिन। क्या है, एंटी हिस्टामिन, है ना। तो एलर्जी के प्रति, एलर्जी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है किसमें, हिस्टामिन में। ठीक है ना, एलर्जी के प्रति प्रतिरोध क्षमता किसमें होती है, एंटी हिस्टामिन में, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो हिस्टामिन और एंटी हिस्टामिन समझ में आएगा। जब आप ऐसा कोई खाना खा लेते हो जो आपको रिएक्ट कर जाता है, है ना, जो नहीं खाना चाहिए था, धीमे धीमे खुजली होने लगती है, जब खुजली होने लगती है तो माइंड से या फिर पेट से कौन सा एंजाइम निकलता है, हिस्टामिन, और हिस्टामिन धीमे से किसमें बदल जाता है, एंटी हिस्टामिन। तो हिस्टामिन एंटी हिस्टामिन बदल कर ये आपको एलर्जी को शांत कर देते हैं। अब क्या है, सेरोटोनिन, क्या है अगला, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करता है, ये आमाशय का संकुचन करता है, क्या करता है, आमाशय का संकुचन करता है, आमाशय का संकुचन करता है, मतलब धीमे से ऐसे संकुचित होगा, फूलेगा, मतलब मथेगा खाने को। ठीक है ना। अब आएगा सोमैटोस्टेनिन, सोमैटोस्टेनिन क्या कर रहा है, सोमैटोस्टेनिन क्या कर रहा है, ये कर रहा है जठर रस, जठर रस अगर ज्यादा मात्रा में निकल रहा है तो जठर रस पर रोक लगाता है, जठर रस पर रोक लगाता है। ठीक है, जबकि गैस्ट्रिन क्या करता है, जठर रस को प्रेरित करता है निकलने के लिए करता है, है ना। और जब जठर रस निकलता है, जब जठर रस ज्यादा मात्रा में निकलता है तो इसको शांत करने के लिए कैसे शांत करेंगे, कुछ खाना पड़ेगा, यानी भूख का जो एहसास है, भूख का जो एहसास है वो कौन करवाता है, तो आंसर है गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन, है ना। तो करता क्या है, गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, जठर रस को प्रेरित करता है। जैसे भूख लगेगी, जब आपको कुछ खाना चाहिए होगा तो गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, जब गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तो आपको भूख लगेगी, जब आपको भूख लगेगी तो उसको शांत करने के लिए आप कहोगे अरे पेट में हल्की हल्की जलन हो रही है, भूख बहुत तेज लगी है, ऐंठ रहा है पेट, तो आपको खाना खाओगे, जैसे खाना खाओगे आप
जठर रस निकलता ना चला जाए बार बार, तो इसलिए सोमैटोस्टेटिन होता है। सोमैटोस्टेटिन क्या करता है, जठर रस को रोक लगाता है कि भैया खाना आ चुका है, अब बिल्कुल शांत बैठ जाओ। अब आमाशय में संकुचन शुरू हो जाता है, धीमे धीमे मथलन शुरू हो जाता है। कौन कर रहा है, सेरोटोनिन कर रहा है। अगर आपने कुछ खराब खाना खा लिया है तो एलर्जी पैदा हो गई है, उस एलर्जी को शांत कैसे करेगा, तो हिस्टामिन शांत करेगा। इतनी में आपको कोई समस्या नहीं। तो ये हम लोगों ने पूरे आमाशय को पढ़ने की कोशिश की है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ आमाशय का जल्दी से, क्या कि आमाशय ग्रास नाल से खाना आया, ग्रास नाल से खाना आया आमाशय में पहुंचा। जब ग्रास नाल से खाना आया और आमाशय में पहुंचा, तो वापस आमाशय से ग्रास नाल में ना जाए, इसोफोगस में ना जाए, इसके ऊपर वाला पार्ट होता है कार्डियक। अब आमाशय के बाद जब खाना ड्यूडेनम या ग्रहणी या छोटी आंत में जाता है, तो छोटी आंत से खाना वापस ना आए, इसके लिए क्या लगा होता है, पाइलोरिक। तो जो बीच का फूला हुआ भाग है उसे हम कहते हैं फंडिक। उसी फंडिक में कम से कम चार करोड़ या ढाई करोड़ से चार करोड़ कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं छोटी छोटी, उसे हम कहते हैं जठर ग्रंथियां। उस जठर ग्रंथि से बनता है जठर रस। उस जठर रस का पीएच मान 1.5 से 1.8 पीएच होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अम्ली होता है, लेकिन हमारे पेट को उससे नुकसान नहीं पहुँचता, क्योंकि उस पेट के नीचे जो झिल्ली होती है उसे हम कहते हैं म्यूकस, जो उसके अम्लीयता के प्रभाव को समाप्त कर देती है। आगे बढ़ते हैं, तो इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में बहुत सारी सेल्स पाई जाती है, जैसे पेप्टिक सेल में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज नाम का एंजाइम होता है, फैना पेप्सिनोजेन होता है और प्रोरेनिन होता है। ये अभी इनएक्टिव है, ये अभी क्या इनएक्टिव है। दूसरा पार्ट क्या आएगा, दूसरा पार्ट आएगा ऑक्सेंटिक सेल। उस ऑक्सेंटिक सेल से निकलेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्यूरेटिक अम्ल कहते हैं, क्योंकि ये भोजन को सुरंग से बचाता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, टैलिन नाम के एंजाइम को निष्क्रिय करता है, और जब ये पेप्सिनोजेन से मिल जाएगा तो बनाएगा पेप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करेगी और प्रोटीन को सरल प्रोटीन और जटिल प्रोटीन में तोड़ देगी। फिर आएगा प्रोरेनिन, जब ये प्रोरेनिन के साथ मिलेगी तो बनाएगा रेनिन, तो दूध की जो प्रोटीन है केसिन, उसको कैल्शियम पैराकैसिनेट बदल देती है, ताकि हमको दूध की प्रोटीन अच्छे से मिल जाए। बच्चों में एक्टिव ज्यादा होती है और वयस्कों में एक्टिव कम होती है। फिर इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको समझ में आ गया, ऑक्सेंटिक सेल समझ में आ गई। फिर हम लोग आएंगे म्यूकस मेक सेल में। म्यूकस हमने आपको बता दिया, जो परत चढ़ी होती है जिससे अम्ल का प्रभाव कम हो जाता है। फिर आता है क्या, फिर आता है लास्ट में अर्जेंटाफिन सेल। अर्जेंटाफिन सेल में इतने सारे एंजाइम और हार्मोन होते हैं, हिस्टामिन, जब आपने खराब खाना खा लिया एलर्जी हो जाए तो एलर्जी को शांत करता है हिस्टामिन। सेरोटोनिन क्या करता है, आमाशय का संकुचन करता है। गैस्ट्रिन, जब आपको भूख लगती है तो जठर रस को प्रेरित करता है, जिससे भूख का एहसास होता है। अब जब भूख का एहसास को खत्म कैसे करेगा, इस जठर रस को बंद कम करेगा कि भैया अब निकलना बंद हो जाओ, तो आंसर है सोमैटोस्टेटिन, है ना। सोमैटोस्टेटिन समझ में आ गया। तो इतनी बात आपको समझ में आई, ये छोटे छोटे पार्ट हैं। अब आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट लगे वो आप पढ़ लेना, और वरना हमारे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, चाहे जैसा पेपर बनाए हम लोग करके आएंगे। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।